पानी चेहरे की ज्यारत करें, मगर आप टेंशन ना ले, मिंबर शरीफ पर अभी कम लोग बैठे हैं, अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आप घबराइए नहीं, ये लोग कम पड़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं बहुत देर पढ़ना पड़ता है, तो कहीं कहीं बहुत कम पढ़ना पड़ता है, है कि नहीं? कि सभी बशर जिन्हें पीराने पीर कहते हैं, जरा बड़े पीर के नाम पर हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि सभी बशर जिन्हें पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, दुआ कबूल हो या रब है वास्ता उनका। सभी वली जिन्हें अपना अमीर कहते हैं, सभी वली जिन्हें अपना अमीर कहते हैं। वक्त बहुत कम है, पढ़ने वालों की लंबी फेरिस्त मौजूद है, लिहाजा वक्त को जहन में रखते हुए मैं बगैर किसी तासीर के आपकी समातों की दहलीज तक सिर्फ नबी की नात या मनकबत के चंद अशआर पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल वाकई तैबा के फूल तूतिए चमनिस्तान रजा हजरत साकिब रजा कादरी से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक बनाए, अपने कलाम से हम तमाम समय के कल्बो जिगर को जिल्ला फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर लें कि अधेरी शब से उजाला निकाल देता है। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, क्योंकि इस वक्त मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं लेना है, जो लोग मेरे हवाले से जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं कभी कभी बहुत लंबी निजामत कर देता हूं, मेरा कोई पता नहीं है, मुझ पे किसी की पाबंदी भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको बेदार करना। अच्छा एक बात बताएं, नबी का नाम जब गुलाम सुनता है तो उसको खुशी महसूस होती है। अच्छा जो आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, ये अरबी का जुमला है, इसका माना है कि अल्लाह की पाक है। अगर कबरा किशनपुर का कोई शख्स सुभान अल्लाह ना कहे, अल्लाह तक भी पाक है। बैठ जाओ बेटा, शांत मैं अल्लाह तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। असल में बच्चों से सबसे पहले सामना मेरा ही होता है। इन बच्चों ने दो चार महीने से जलसों में मुझे इतना परेशान किया है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं एक रात रात, तो माँ बाप को कितना परेशान करते होंगे ये बच्चे, है कि नहीं? ये बच्चे हैं कौम की अमानत है, इन बच्चों के इल्म में बिपना बरकत अता फरमाए, आमीन। आप जानते हैं एक साहब के दो पोते थे, तो छोटा पोते ने कहा, दादा आपकी उम्र 70 साल की हो गई, ये बताइए आप कहाँ कहाँ घूमे अपनी उम्र में? तो दादा बोले, बेटा हमने इंग्लिस्तान भी घूम लिया, अफगानिस्तान भी घूम लिया, रेगिस्तान भी घूम लिया और पाकिस्तान भी घूम लिया। तो बड़ा पोता बोला, दादा कब्रिस्तान कब जा रहे हैं? मैं भी ये चक्कर में, वरना बच्चे भी बड़े पहुंचोगे होते हैं। अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह की पाकी बयान होगी, इसमें आपका फायदा है। एक रिवायत के मुताबिक है, जब रूए जमीन पर अल्लाह का बंदा अल्लाह की पाकी बयान करता है, तो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह होती है, अल्लाह सवाब से भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अंधेरी रात में तेरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है या रसूल अल्लाह, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। आइए इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हसके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत।